आगे 2024 तक चक्का जाम ही रहेगा। नरेंद्र मोदी ने हड़काई गादड़ी के कान पकड़ लिए, क्योंकि किसान की बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी और आगे पछताएगी। वो बीजेपी का विधायक है, बहुत ही बदतमीज है, पर सरकार की इसने बड़ी जो है बदनामी करी, जो है नारे भी लगाए योगी के खिलाफ। लानत है ऐसी राजनीति पे, किसान ने उनका क्या बिगाड़ा है। जो है केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, उसी कड़ी में हम आज आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर शामली का एक कैंप लगाया, उसी में मौजूद हैं कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन, जो अपनी बातों के लिए और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं और एक शामली में उभरता चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिए। तो आइए बात कराते हैं नाहिद हसन जी से। सर, जैसे कि आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन में पहुँचे हो और आज एक चक्का जाम का भी दिन था और 70 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, तो जैसा कि चक्का जाम था तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। भैया, ये तो आगे 2024 तक चक्का जाम ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने हड़काई गादड़ी के कान पकड़ लिए और इतनी जल्दी पेंडा नहीं छूटने का। ये किसान है, इसे इतना कमज़ोर ना समझो। ये किसान, इसे ना तो कोई सरकारी मदद चाहिए, आप खुद देख सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ना जानता है किसान। आज 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया और यहाँ अपनी उस मांग को मनवाने आया है और मनवा के रहेगा, कोई गलत नहीं कर रहा हो, हक की बात है भाई। आप किसान तो 2018 में भी आया था यहाँ पर, दिल्ली जा रहा था किसान घाट, उस समय भी रोक दिया गया यहाँ। और यहाँ से जो राकेश टिकैत है, जो इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ही इसको 6 घंटे बताते हैं कि यहाँ से 6 घंटे के बाद ही वापस ले गए। देखिए, वो उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब इस टाइम पे आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कितने संगठन यहाँ पे किसान के जुड़े हुए हैं और चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि उस टाइम पे नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे भी भाई किसान नेता हैं, कोई किसानों के हित की बात ही हुई होगी, इस वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा। और यहाँ अब क्यों अड़ रहे हैं वो, फिर अब भी तो इसलिए अड़ रहे हैं ना, क्योंकि किसान की बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी और आगे पछताएगी वो, तो टाइम आने दो ऐसा। अब अभी आपने कहा अड़ने के लिए, जैसे कि 26 जनवरी पर जो कांड हुआ वो एक किसानों का उसमें दोष बताया जा रहा है, और दूसरी उसमें यह है जब गिरफ्तारी का माहौल चला यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे, कि कुछ विधायक यहाँ आए जो आप जैसे भाई थे वो यहाँ आए, तो उन्होंने इस आंदोलन को गरमाया और उन्हीं के कारण ये इस तरह से गरमाया गया। तो उसमें जो राकेश टिकैत जी, तो कहीं ना कहीं जो 2018 वाला मामला है, सरकार उसी तरह से कमज़ोर मानती है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। देखिए, जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी का विधायक है और हाँ, बहुत ही बदतमीज़ है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नज़रों में छाना चाह रहा है, क्योंकि इसी ने ही जो है अपनी सरकार के खिलाफ, आप 2-3 सेशन पीछे ले लेंगे अगर विधानसभा में, इसने बड़े पुरजोर तरीके से जो उसके साथ वहाँ यहाँ पे जो अवैध वसूली ये करा रहा था और उस पर जो एक्शन लिया, पुलिस के साथ भी इसकी भिड़त हुई, तो उसमें जो है ये वहाँ पर सरकार की इसने बड़ी जो है बदनामी करी, जो है नारे भी लगाए योगी के खिलाफ। तो ये अब उस चीज़ को चमकाना चाह रहे हैं जो है इस किसान के, उससे ये वो भूल गए कि भाई वो खुद भी तो किसान ही हैं। और लानत है ऐसी राजनीति पे, किसान ने उनका क्या बिगाड़ा है जो है। तो हकीकत तो यही है, उनका पत्ता भारतीय जनता पार्टी से साफ था, वो जो है सिर्फ नज़रों में आने के लिए ये काम किया है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आज दुनिया बीजेपी में तो ज़रूर मुकाम पा जाएंगे, लेकिन इन लोगों के सामने जो जिस तरीके के आपत्तिजनक जो भाषण वो लोग दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं बना पाएंगे जो इन्होंने अपनी बेइज्जती जो करा ली जो है विधायक ने, और गुजर कर रहे हैं जो। तो बिरादरी का मान लिया, एक आदमी अगर वो कोई अपने निजी सोच के हिसाब से कुछ कह रहा है, उसका मतलब ये नहीं जो है कि भाई सभी लोग जो है वो ख़राब हैं, चाहे हिंदू गुजर है चाहे मुस्लिम गुजर है, तो सब लोग जो है किसान हैं और हर आदमी को पीड़ा है। और यहाँ जो लड़ाई लड़ रही है वो ऐसी बात थोड़ी है कि जो यहाँ पे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ से जब इन लोगों को, भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को जब सफलता यहाँ से मिलेगी, तो वो तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए होगा ना। जैसे कि किसान का मुद्दा चल रहा है और ये हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी फैल रहा है, जैसे कि अभी एक खबरें चल रही हैं कि पोर्न स्टार मियां खलीफा हैं और कई लोगों ने समर्थन दिया है, ग्रेटा हैं,
और एक वो आया रिहाना है, उन्होंने समर्थन किया है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये देखिए उनके पास क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बताइए। जब थोड़ी 5-10% सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनके पास और उनको भी पता लग रहा है जो है कि ये गलत हो रहा है, तो यहाँ जो हमारे पे मुसल्लत है नरेंद्र मोदी, जिसको रात दिन जो है वो देख भी रहे हैं और इंटेलिजेंस से भी पता LIU से पता लग रहा हो कि यहाँ किस तरीके से किसान परेशान हैं, तो उनके तो जूनी रेंगरी, लेकिन बाहर के लोग भी जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं और आगे जो है ये भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कि उनका उनको समर्थन करने पे, किसान आंदोलन का समर्थन करने पे उन पर अश्लील टिप्पणियाँ की जा रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, ये लोग तो अंधभक्त हैं, जो उस टाइम से ही आपको पता है तो इन्होंने जो है एक पूरा IT सेल बना रखा है और वो फेक ID वगैरह बना के जो इस काम को करते हैं। नहीं तो धरातल पे ऐसा कोई मामला नहीं है, हर आदमी उनके जो दिया हुआ बयान है उनकी सराहना कर रहा है कि हाँ दूर बैठे लोग भी जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन हमारा खोटा सिक्का समझ नहीं रहा इस चीज़ को। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर पर कील लगाई गई थी, एक बैरिकेडिंग बनाया गया था मजबूत तरीके से, और उन्हें कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता मान रहे, किसान आंदोलन जो सफलता मान रहा है कि कील उखाड़ दी गई है डर के मारे, और जहां सरकार ये कह रही है कि उन कीलों को सीधा करने के लिए उखाड़ा गया, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए जैसे आप देख ही रहे हैं किस तरीके से थूथू पूरी दुनिया में हुई, और जब जिस तरीके से ये लोग कीले जो है वापसी निकाल रहे हैं BJP के लोग, इसी तरीके से अपनी गलती मान के ऐसे ही जो है किसानों के बिल वापसी कर दें जो है, तो क्या जा रहा है उनको भाई? ये तो किसान हिंदुस्तान का ही तो है, यहीं का ही तो नागरिक है। ये देखिए आप जो है 170 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए यहाँ पे, और सरकार का दोष है जो कील लगाई गई थी उन्हें किसानों ने पैर मार मार कर टेढ़ा किया है ताकि उनके ट्रैक्टरों में भ्रष्ट पिंचर ना हो। अरे भैया ये कातिल मेंटेलिटी के हैं, चाहे अमित शाह है चाहे वो है, ये गरीब जनता को चाहते हैं कि ये लोग जो है कातिल बन जाए और तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। तो जो कीले वगैरह ये यहाँ थोड़ा ही लगनी चाहिए थी, ये तो चाइना बॉर्डर पर लगनी चाहिए थी, जहाँ जो है रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके, या पाकिस्तान बॉर्डर पर लगनी चाहिए थी। आपने तो सभी देशों से आपने मेल जोल सब कुछ ख़राब कर लिया। आप ये देखो आज 2014 से अब तक किस आदमी का भला हुआ? ऐसी कोई चीज़ है जो नरेंद्र मोदी ऑन स्टेज आके ये बता दे कि हाँ ये मेरा जो है इतने सालों में ये अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट नहीं है, जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना और आपस में लोगों को लड़वाना। अब ये किसान, ये जैसे मैंने कहा हड़काई गादड़ी कान पकड़ लिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है किसान है, और ये बहुत भारी पड़ेगा जो है। तो जैसे कि आज चक्का जाम किया गया, कहाँ तक सफल मानते हैं आप उसको? किसान जो है इतना नरम दिल है, वो ये भी नहीं चाहता कि कोई और आदमी या कोई और जो यहाँ पे आसपास रहने वाले आने जाने उनको परेशानी हो। तो अगर नरम दिल ना होता तो यहाँ 2 महीने के लिए नहीं बैठता। जो है जो 26 तारीख में जो आरोप लगाया गया है वो काम तो किसान जो है पहले शुरू वाले दिन भी कर सकता था। जब 2 महीने से हमारे सिख भाई जो है पंजाब में, काफ़ी किसान 2 महीने पहले से वहाँ बैठे हुए थे, तो क्यों नहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं इस चीज़? अब आप देशवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई सभी देशवासियों से यही है कि ये किसान जो है हमारा अन्नदाता है, चाहे वो शहरों में रह रहे हैं लोग या कस्बों में है, कहीं ना कहीं किसान की ज़रूरत जो है हर आदमी को है, चाहे वो किसी भी बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। अगर उसे अपना घर चलाना है तो उसने रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, सब चीज़ खानी है, और ये सब किसान ही मुहैया कराता है। तो जो अन्नदाता है उसके लिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग सामने आए और जितना भी इस आंदोलन में मदद कर सके उतनी मदद।